परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम के चार बड़े भाई थे। एक दिन जब सब पुत्र काम से जंगल चले गए, तब माता रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जलविहार करते देखा। ये देखकर उनका मन विचलित हो गया और जब वो घर लौटी तो उनके हाव भाव देखकर महर्षि जमदग्नि यह बात जान गए। इतने में ही वहाँ परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुशेनु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहाँ परशुराम आ गए। उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माँ का सर काट दिया। ये देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने तीन वरदान मांगे। पहला माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और दूसरा चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना न करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई सूरवीरों को शिक्षा दी। कहा जाता है कि परशुराम अमर हैं। वह भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीतियां सिखाएंगे, जो कलियुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।